नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभी। भाजपा विधायक जवाहर राजपूत की गुंडई दूसरे की जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए लाव लश्कर के साथ पहुंचे। उक्त तालाब का प्रकरण पर स्थानीय प्रशासन के पास कोई आदेश नहीं है, नगर पंचायत के पास भी कोई आदेश नहीं है। तालाब का प्रकरण यह है कि कस्बा मोट के सुमित कुमार अग्रवाल के नाम अभिलेखों में तालाब दर्ज है। एक साल पहले SDM मोट की न्यायालय से सुमित कुमार मुकदमा जीते थे तो खतौनी में सुमित कुमार का नाम आ गया था, लेकिन दो महीने पहले मार्च के महीने में नगर पंचायत ने उसी मुकदमे को फिर से उठाया और उसमें SDM न्यायालय के यहां से नगर पंचायत मोट मुकदमा जीत गई। इसके बाद सुमित कुमार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला दायर किया, जो अभी लॉकडाउन के कारण टेक ओवर नहीं हो सका। नगर पंचायत ने भी अभी उक्त तालाब को खुदवाने या सौंदर्यकरण कराने के लिए कोई प्रस्ताव पास नहीं किया है। आज अचानक गरौठा विधायक द्वारा जमीन का पूजन कर और तालाब खुदवाने पर प्रशासन का अमला कोई भी जानकारी नहीं दे पा रहा है। हम सबकी एक प्राचीन सभ्यता रही है कि हर गांव हो या कस्बा हो, हर जगह तालाब मिलते थे और कम से कम 100-150 साल पुराने तालाब। और आज मोट कस्बे में जिस तालाब की खुदाई हो रही है, ये भी 100-150 साल पुराना इसका इतिहास गवाह है। ये पक्का सीमेंटेड बना हुआ है, लेकिन पिछली सरकारों में इस तालाब को अपने स्वार्थ के कारण दमंग और प्रभावशाली लोगों ने बंद कर दिया और इस पर कहीं ना कहीं वो अपने निजी स्वार्थ में दुकानों का निर्माण या मॉल का निर्माण या इत्यादि इत्यादि अपने कामों के लिए उपयोग करना चाहे। लेकिन ये योगी जी की सरकार लगातार खलियान हो, बंजर भूमि हो या तालाब हो या अन्य सार्वजनिक संपत्ति हो, चाहे वो कस्बे की हो या गांव सभा की, निरंतर ये सरकार का प्रयास है जो गांव सभा की या सरकार की संपत्ति वो सरकार के कब्जे में रहेगी, किसी निजी स्वार्थ लोगों के हाथ में नहीं रहेगी। तो आज लंबे समय से ये सरकार ने, प्रदेश के मुखिया योगी जी ने निर्णय लिया है कि जहाँ पर भी इस तरह के कब्जे उनको तत्काल हटाए जाए, अगर वो तालाब है तो तालाब का स्वरूप दिया जाए। आज किस जगह पे खुदाई शुरू हुई है? मोट में जो आधा हेक्टेयर का तालाब है और कम से कम इसका इतिहास 100-150 साल पुराना है, ये कम से कम पक्का चारों तरफ से बना हुआ है और आज इसका स्वरूप देने के लिए लगातार हमने अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से और शासन में बैठे लोगों से लगातार संपर्क किया, अपनी बात रखी और आज उसका स्वरूप है कि आज जिलाधिकारी ने आदेश किया और ये NGO के माध्यम से ये जो है सब जन सहयोग से ये तालाब की खुदाई हो रही है और जिससे कम से कम यहाँ का जो जल संकट है वो कम से कम हैंडपंपों का कुओं का बढ़ेगा और हमें आशा है कि आने वाले भविष्य में ये बहुत बड़ा उपयोगी वाटर पार्क बनेगा, सौंदर्यीकरण होगा और ये नगर के लिए एक सौभाग्य होगा कि वास्तव में कोई भी एक तालाब नहीं है, वो है तालाब ये दिखाई देगा।